नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन FIR कैसे करते हैं। हमारा कोई सामान चोरी हो जाता है या फोन खो जाता है या फिर कोई परेशान करता है तो उसको FIR दर्ज कैसे करें ऑनलाइन बिना पुलिस स्टेशन जाए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा ऑनलाइन FIR कैसे करते हैं। जैसे आपका कोई सामान चोरी हो गया, कोई पर्सन मिसिंग है, या आपका फोन चोरी हो गया, या आपका लैपटॉप चोरी हो गया, आपका व्हीकल चोरी हो गया, तो इसके लिए ऑनलाइन FIR कैसे करें आपको मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि ऑनलाइन FIR कैसे करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमें जाना है क्रोम में, और ये मैंने पहले से कर रखा था, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। हमें लिखना है ऑनलाइन FIR दिल्ली। अगर आप यूपी से तो आप यूपी लिख सकते हैं, अगर आप राजस्थान से तो राजस्थान लिख सकते हैं। बस जैसे दिल्ली लिखा है तो दिल्ली की जगह यूपी, अगर आप यूपी से भी नहीं या राजस्थान से तो राजस्थान की जगह, ओ सॉरी, यूपी की जगह राजस्थान लिख देना है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन FIR सबको लिखना है, लास्ट का अपना स्टेट उसमें लिख देना है कि आपका कौन सा स्टेट है। तो मैं एक बार दिल्ली का दिखा देता हूँ आपको, तो देख सकते हैं सिटीजन सर्विस दिल्ली पुलिस। और देखो मैं दिल्ली को हटा के यूपी डाल देता हूँ, यूपी डाल दिया मैंने। आप देख सकते हैं ये रही उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक। तो ऐसा कुछ इंटरफेस है इसका, तो यहाँ पे शायद इनमें थाना वाना पोस्ट वगैरह लिखना होता होगा। रुको, कुछ ऐड आ गया ये, तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। इस ऐड को मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे योर डिस्ट्रिक्ट और थाना सेलेक्ट करने को कह रहा है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है यूपी का। अब हम राजस्थान का देख लेते हैं, तो जैसे कि राजस्थान का देखेंगे, अरे जी राजस्थान आ गया, राजस्थान पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं राजस्थान पुलिस आ गया। तो इसका कुछ ऐसा इंटरफेस है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ से आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिल्ली का करके दिखाता हूँ। देखो दिल्ली में आएंगे हम लिख के, फिर सिटीजन सर्विस दिल्ली पुलिस पे क्लिक करेंगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें बहुत सारे हैं, आपका व्हीकल चोरी हो गया या मिसिंग है कोई, या फिर जैसे कि आपका व्हीकल चोरी हो गया, या आपका कंप्यूटर चोरी हो गया, या आपके घर चोरी हो गई, या कोई मिसिंग है, या आपने इकोनॉमी में पैसा लगाया था उसमें आपका फ्रॉड हो गया है, या फिर साइबर की तरफ से आपको कोई रिपोर्ट करानी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा लॉस्ट एंड फाउंड का। जैसे आपका फ़ोन खो गया है तो आप लॉस्ट एंड फाउंड पर क्लिक करेंगे, तो आप खोए हो या पाए हो, तो यहाँ पे अगर आप खोए हो तो लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट करना है, अगर आपने कुछ पाया है किसी का तो फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ऑब्वियसली तो हम यहाँ जब ही आएंगे जब हम कुछ खोएंगे, ठीक है, तो लॉस्ट करते हैं, हम लॉस्ट पर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लेन नेम आ रहा है, कंप्लेन नेम डाल देंगे, मदर या फादर नेम कुछ भी आप डाल सकते हैं, आपके मम्मी या पापा का नाम, कंप्लेन एड्रेस, अपना एड्रेस डालना है इसमें, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, प्लेस ऑफ लॉस इन दिल्ली, कहाँ पे आपका फ़ोन खोया गया है किस एरिया में, उस एरिया का नाम डालना है, कितने तारीख को खोया था, कौन से महीने में खोया था, कौन से साल में खोया था वो डालना है, कब खोया था अप्रोक्स में डाल सकते हैं, और लॉस्ट आर्टिकल लिख दो उसके बारे में कुछ भी, कि मतलब आपका क्या था जो खोया है, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जो खोया है आपका, ठीक है, जैसे आधार कार्ड, आईपैड, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, वॉच, पासपोर्ट, जो भी था आपका वो आप सेलेक्ट कर लेना इसमें से, ठीक। और डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि मतलब क्या चीज़ था वो, मतलब उसमें क्या था आपका, उसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन दे देना, ठीक है। उसके बाद एनी डिटेल्स अगर आप कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। फिर ये आपको कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे आप। जैसे कि अभी देखो मेरा बहुत कुछ मैंने नहीं डाला इसलिए नहीं हो रहा है। तो आप तो फिर आपका जो प्रोसेस है ऑनलाइन FIR करने का वो ख़त्म हो जाता है और आपका FIR सक्सेसफुल हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करें। दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।